हम लोग कल हम दिल्ली से हैं और बालटाल रुके थे कल, तो कल सुबह हम 4 बजे चले थे, सुबह 4 बजे। और मैं यहाँ पर क्या हुआ, कल शाम को मैं यहाँ पर 5 बजे करीब यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन इतनी सांस चढ़ गई थी, मेरे को थोड़ी बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो बोलते हुए अभी आप देख भी रहे हैं ऐसे बोलते हुए सांस चढ़ जाता है, लेकिन कल इतना जान निकल गई थी मेरी बॉडी में से, ऑक्सीजन बिल्कुल डैम हो गया था और बीपी हाई हो गया था, सांस फूलने लग गई थी। तो फिर मैंने किसी ऑफिसर से बोला कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने बोला, मैंने सोचा भी नहीं था, हाँ मैं सलूट जरूर करता था, जैसे आते हुए सलूट करता था तो सब लोग सलूट एकदम अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते थे मेरा सलूट को। और जब जैसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने मेरे को उठा करके तुरंत मुझे उठाया और एकदम मुझे फैकल्टी में लेके आए। और जैसे फैकल्टी में आए, मैंने बीपी चेक किया, उसके बाद फिर मैं जैसे बीपी चेक किया तो मेरा बीपी हाई था। जैसे बीपी हाई इनको पता चला, तो सभी सारे डॉक्टर, 5-6 सारे डॉक्टर थे पूरी फैकल्टी ने, फटाफट मुझे ईसीजी लिया, फिर ऑक्सीजन दिया और बहुत अच्छी सी फैसिलिटी दी। इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने जिंदगी में, एक जो 5-स्टार टाइप के जो हॉस्पिटल हैं मैंने कभी नहीं देखा। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं 47 ईयर्स का हूँ, मैंने ऐसी फैसिलिटी और ऐसी कोऑपरेशन मैंने जिंदगी में, जब हम फुल पैसे भी देते हैं ना, वहां भी नहीं मिलती। और यहाँ पर खाना और गर्म पानी, गर्म दूध, कैसे कैसे वहां पर मेरे बच्चों को कोऑपरेट किया, मेरे जितने भी मेरी वाइफ को कोऑपरेट किया, साथ में उन्होंने बिठाया, सांत्वना दी। मेरी जिंदगी में ऐसे, मैं इतना जरूर बोलूंगा, शायद आप ये सोचोगे कि मैं भावुकता में बोल रहा हूँ, मुझे भगवान नजर आए, शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए, मुझे इन लोगों के ऐसे जीते जागते भगवान की तरह मुझे इनके दर्शन हो गए। और मेरी तरह बहुत सारे लोग आए थे, मैंने ये देखा कि मुझे नहीं, सबको ये कोऑपरेट करते हैं, ऐसे ही कोऑपरेट करते हैं। कैसे बैठा, उसी टाइम इन्होंने मेरे को 2 बार ECG भी लिया, 3-4 बार मेरे को इंजेक्शन दिए, 3-4 बार मेरे को इन्होंने ऑक्सीजन भी लगाया, और रात को मेरे को उन्होंने अपने यहीं पर एकोमोडेशन दिया, मेरी वाइफ को दिया, मेरे बच्चों को दिया। मेरे बच्चे बताएंगे क्या बेटे आपको एक्सपीरियंस करा। नॉट जस्ट द पेशेंट, आई वुड से यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सबने सिर्फ पेशेंट का ही नहीं बल्कि हमारा भी ख्याल रखा, बिकॉज एज अ डॉटर एंड अ वाइफ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए ऐसी सिचुएशन देखना, वेयर योर फादर इज यू नो नॉट इन द राइट कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, तो हम लोग बहुत डर गए थे। इट वॉज स्केरी, इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, पर जैसे ही हमारे पास डॉक्टर्स आए, हमें फैकल्टी में लाया गया, उसके बाद से इन्होंने हमारी सारी टेंशन ली, द सपोर्ट, द कोऑपरेशन एंड द म्यूचुअल यू नो लव एंड केयर दैट वॉज प्रोवाइडेड टू अस इज कमेंडेबल। सो आई वुड से दैट यू डिड अमेजिंग एंड ग्रेट जॉब हियर, सो या थैंक यू सो मच। आप हमारी मेडिकल फैसिलिटी से संतुष्ट हुए यहाँ पे? नहीं सर, हम आपकी मेडिकल फैसिलिटी से नहीं, आपसे संतुष्ट हुए हैं। आपकी फैसिलिटी तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन आपकी जो कोऑपरेशन है ना, ये मुझे इसने मेरे को ठीक किया है। ये सब चीजें, फैसिलिटी तो ये सब चीजें मिल जाती हैं, हर हॉस्पिटल में मिल जाती हैं सारी चीजें। ये जो कोऑपरेशन है सर आपकी, जैसे आपके सीनियर डॉक्टर ने मेरे पांव कैसे, उन्होंने फटाफट मेरे कपड़े निकाले, कैसे अपने कपड़े दिए, अपनी कैप दी, अपने वो जो हीट बैग होता है अपने वहां से लेके आए, और उसके बाद 7-8 बजे पानी, खूब बारिश होने लग गई थी यहाँ पर, फिर मेरे लिए गर्म पानी लेकर आए, मेरे बच्चों के लिए गर्म पानी लेकर आए, गर्म दूध, जहां पर पानी पीने को नहीं मुसीब यहाँ पर नसीब होता, कहीं पर आप लोगों ने मुझे दूध गर्म लेके आए मेरे यहाँ पर, जहां पर आपने खाना लेके आए मेरे लिए, इन चीजों ने आपके कोऑपरेशन ने ये मेरे लिए मायने रखा है सर, इसने मेरे को ठीक किया, विल पावर मेरी बढ़ी है आपकी कोऑपरेशन से। उसके बाद मेडिसिन दिया आपने, वो तो नेचुरली आप इफेक्ट, वो तो हमारा फर्ज है, वो तो आपकी फैसिलिटी, सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूँ, ये सब इंस्ट्रूमेंट सर सलूट है सर आपको, जो आप हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, और मेरे लिए नहीं सबके लिए सलूट है, सलूट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दो दो दर्शन होते हैं आपके और शिवलिंग के, यहाँ पर दो दर्शन है सर, प्रैक्टिकली ये कहीं नहीं मिलने वाले। थैंक यू सो मच सर, भगवान आप हमारे लिए, थैंक यू।